आप सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है एविल एनिग्मा में। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कुछ मून के फैक्ट्स, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले मून की जनरल इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। मून का डायामीटर है 3475 किलोमीटर, मास है इतना, पृथ्वी से 384,400 किलोमीटर दूर है और एक ऑर्बिट पूरा करने में 27.3 दिन लग जाते हैं। चांद की सतह का तापमान -233 से 123 डिग्री सेल्सियस में रहता है और ग्रेविटी पृथ्वी से 83.3% कम है। आप सबने चांद की कैमरा से ली हुई क्लोजअप फोटोज तो देखी होंगी, उसमें हमेशा चांद की एक ही साइड दिखाई देती है। हम चांद की दूसरी साइड नहीं देख सकते, जिसको फार साइड ऑफ द मून कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मून अपने एक्सेस पे घूमने में उतना ही टाइम लगाता है जितना पृथ्वी का एक चक्कर काटने में, जिसकी वजह से हमेशा चांद की एक ही साइड पृथ्वी से दिखती है। उस फार साइड की फोटो सबसे पहले सोवियत लूनर प्रोग्राम के लूना 1 स्पेसक्राफ्ट ने 1959 में ली थी और 10 साल बाद अमेरिका के अपोलो 11 मिशन में पहली बार इंसान ने चांद पर कदम रखा था। चांद हर साल करीब 3.8 सेंटीमीटर पृथ्वी से दूर जाते जा रहा है और अरबों सालों बाद ये पृथ्वी का एक चक्कर काटने में 47 दिन लगाएगा। चांद पर सिर्फ 12 लोगों ने कदम रखा है और वो सारे अमेरिकन्स हैं। 1950 में अमेरिका ने चांद पर न्यूक्लियर बम फोड़ने का सीक्रेट मिशन बनाया था, जिसको नाम दिया गया प्रोजेक्ट A119। अमेरिका सोवियत यूनियन को अपनी ताकत दिखाना चाहता था कि वो भी स्पेस रेस में पीछे नहीं है, लेकिन यह मिशन कभी नहीं हुआ और सरकार आज तक इस प्रोजेक्ट को मानने से इनकार करती है। चांद जिस रंग का हमको दिखता है वो वैसा नहीं है। असल में चांद की सतह का रंग काफ़ी काला है, लेकिन सूरज के कारण ब्राइट होकर हमें सफ़ेद या पीला ही दिखता है। चांद का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है और उसकी मिट्टी अरबों सालों से सोलर रेडिएशन में तपते जा रही है। उस मिट्टी में भारी मात्रा में हीलियम-3 है जो पृथ्वी पर नहीं है। उस हीलियम-3 के जरिए न्यूक्लियर फ्यूजन करा जा सकता है। सिर्फ 40 टन से इतनी एनर्जी बन सकती है जितनी पूरा अमेरिका साल भर में बिजली में यूज करता है। मून की मिट्टी जो अपोलो मिशंस के एस्ट्रोनॉट्स लाए थे वह काफ़ी ड्राई थी और कोई पानी नहीं था, लेकिन चंद्रयान 1 के जरिए ये कन्फर्म हो गया था कि मून के पोल्स पर बर्फ है। चांद पर कोई हवा नहीं है, इसलिए एस्ट्रोनॉट्स के फुटप्रिंट्स, मशीन्स और फ्लैग्स अभी तक वहाँ बरकरार हैं जैसे 50 साल पहले थे, लेकिन जो फ्लैग्स हैं उनका यूवी रेज की वजह से कलर इवेपोरेट हो गया और अब वह सिर्फ सफ़ेद दिखते हैं। अब 11वें बोनस फैक्ट के लिए हम अपोलो 11 मून लैंडिंग के बारे में बताएंगे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन की मून लैंडिंग के बाद उनके पास बस 16 सेकंड का फ्यूल बचा हुआ था। अगर वो लैंडिंग में कुछ समय और लगा लेते तो स्पेसक्राफ्ट चांद पर ही क्रैश हो जाता और दोनों एस्ट्रोनॉट्स की मृत्यु हो जाती। अच्छा हुआ कि उन्होंने कोई टाइम वेस्ट नहीं करा। और आप भी बिना टाइम वेस्ट करे सब्सक्राइब बटन दबाएं और आगे आने वाली वीडियोस का मजा लें।